तो जी हाँ, आपने टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके होते हैं या होने के रास्ते पर होते हैं, उनकी मेन 5 हैबिट्स क्या होती है। ये कौन सी हैबिट्स होती हैं जो एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल बना देती है, पूरा उस पर बात करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, सीधे आगे बढ़ते हैं। तो पहली हैबिट जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्यूचर प्लानिंग। यहाँ मेरा फ्यूचर प्लानिंग से मतलब ये नहीं है कि 5 साल बाद मैं ये कर रहा हूँ, 6 साल बाद मैं ये कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। फ्यूचर प्लानिंग से मेरा मतलब है आपकी कल की प्लानिंग, आपकी 1 हफ्ते 1 महीने बाद के प्लान्स आपके क्या हैं। एक कोई भी सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है तो उसको पता होता है कि कल क्या करने वाला है, वो पूरे हफ्ते भर 1 महीने के उसके गोल क्या हैं, और वो बहुत सारी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार होता है। अगर मुझे फीवर आ गया, मैं बिजी हो गया, कुछ काम आ गया, तो मेरी पढ़ाई कैसे चल रही होगी, मैं सब चीज़ों को बैलेंस कैसे कर रहा होगा, मैं कितने बजे लगभग उठूंगा, मेरा सोने का टाइम क्या होगा, पूरी एक प्लानिंग चलती है। तो मेरी आपसे सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप रात में सोते हैं तो सोने से पहले 10 मिनट सोचिए कि कल मैं क्या करने वाला हूँ। मैं कभी नहीं बोलता कि बिल्कुल लिख लिया कि 7 बजे ये होना मतलब ये होना, नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया होना ज़रूरी है मैं कल क्या करूँगा, इस महीने के मेरे गोल्स क्या है। तो एक इम्पॉर्टेंट हैबिट आती है जो आप सबको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट आती है, जो मेरे हिसाब से 99% लोग नहीं करते, वो है हमारा एनर्जी सेविंग मोड कभी ऑन नहीं करते। अब एनर्जी सेविंग मोड से मेरा मतलब क्या है, मेरा सिंपल सा मीनिंग है, ऐसी चीज़ें जो वर्थ इट नहीं है उनमें हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हमारी एनर्जी इतनी कम हो गई कि जो चीज़ें वर्थ इट है वो हम कर ही नहीं पा रहे। इसको अच्छे से समझिएगा। हम गलती क्या करते हैं, हमको पता है कि यार मैं 4 बजे पढ़ने बैठूंगा, लेकिन हम 2 बजे से 4 बजे तक ऐसी मूवी देख लेते हैं कि हमारी आंखें चकराने लगती है, सिर दुखने लगता है, हमने इतना स्क्रीन टाइम दे दिया होता है कि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा होता है। लोग बोल रहे हैं घूमने चलो, हम कल ही घूम के आए थे लेकिन हमारा फिर से मन हो जाता है, हमें पता है यार हमारा कल एग्जाम है लेकिन हम फिर से घूमने जाएंगे, जबकि हमें पता है यार कि अभी घूमना इतना जरूरी नहीं है, मैं हुआ है उस हफ्ते एक बार। मैं ये कभी नहीं बोलता कि आप घूमिए मत, आप मूवी मत देखिए, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमें हमारी एनर्जी कब सेव करना है। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं, हमारी एनर्जी लिमिटेड होती है, आपकी इतनी बैटरी है, अब वो आप बैटरी को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम आपको अपनी बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। और हमारी गलती क्या होती है, जब हमारा पढ़ने का समय आता है, जब भी हमारी बैटरी चार्ज करने का टाइम आ जाता है, हमारी पढ़ाई स्किप हो जाती है। तो हमेशा याद रखिए, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है मैं एनर्जी सेव कर सकता हूँ करिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग गलती करते हैं जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते जाएंगे इतना पढ़ लेंगे कि पीठ दुखने लगेगी, सर दुखने लगेगा, उसके बाद बीमार पड़ जाएंगे, हेडेक हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और दूसरे शिफ्ट की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मैंने एक बुक में पढ़ा था, मैं आपको भी बताता हूँ, हमें थकान हो उससे पहले ही हमें रेस्ट ले लेना चाहिए। अगर आपको पता है भाई मेरे पढ़ने का अभी मैं 1 घंटे कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा 50 मिनट्स के बाद ही उठ जाइए। वो 10 मिनट आपको थकान दे उससे पहले हम उस 10 मिनट में रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर से 50 मिनट्स बैठ पाओगे। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, हमेशा फॉलो करिए। इसके बाद तीसरे नंबर की एक हैबिट जो मेरा कहना है हर एक बच्चे में होना बहुत ज़रूरी है, वो है हमें हर तरफ से नॉलेज ढूंढना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी स्कूल की कॉलेज की बुक से आपको पर्याप्त नॉलेज मिल जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे लाइव स्ट्रीम में बोलते हैं भैया आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे पता है, आपकी तो अभी एज भी कम है, शायद ये आपके साथ हुआ भी नहीं होगा। नॉलेज आप कोशिश करिए, हर एक इंसान जिससे आप मिलते हैं, हर एक बुक आप जो पढ़ते हैं, हर एक सोर्स जहां पर आप देख रहे हैं उससे आप कुछ नॉलेज ले पाए। इस जिंदगी में हर काम हम खुद से नहीं कर सकते, हमें दूसरों से भी देखकर सीखना पड़ेगा। तो सिंपल याद रखिए, चाहे वो आपका कोई काम हो, चाहे कोई गलती हो, दूसरों को देखिए, उनसे सीखिए, और जहां नॉलेज मिल रहा है उसको गेन करने का ट्राई कीजिए। नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद फोर्थ नंबर पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, सही समय पर सही चीज करना। इसको मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा माइंड जो है ना, जो हमारे साथ गेम खेलता है, आपने भी नोटिस किया होगा, आप साल भर पढ़ रहे होंगे, जब एग्जाम पास आएंगे आप पढ़ना छोड़ देंगे और आप फालतू के काम करने लगेंगे, आपका माइंड आपको बोलेगा करने को, ये सबके साथ होता है। लेकिन मैं बोलता हूं आप एक पेपर में लिख लीजिए कि सही समय में सही चीज करना है। अगर आपको पता है कल मेरा एग्जाम है तो अगर आप आज टाइम पास नहीं करेंगे तो चल जाएगा। अगर आपको पता है मेरा एग्जाम आज ही खत्म हुए तो एक दिन अगर आप पार्टी कर लेंगे तो वो ज्यादा सही चीज में बोलूंगा। मैं दोनों तरफ की बातें कर रहा हूं, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए सही समय किस चीज के लिए है, क्या ये एंजॉय करने का टाइम है, ये पढ़ने का टाइम है, सीरियस होने का टाइम है, चिल करने का टाइम है, दोस्तों से बात करने का टाइम है, कि किस चीज का टाइम है आपको पता होना चाहिए।
आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ आपके लिए इस समय सही है और कौन सी चीज़ गलत है। ऐसा भी आपको लाइफ में देखने को मिलेगा, जो चीज़ आपके लिए हमेशा से सही रही है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गलत हो सकती है आपके लिए। आप एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ को, तो उस समय आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मैं अगर आज की बात करता हूँ तो इस समय मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी नहीं है। एक व्यक्ति जो सक्सेसफुल होता है, स्टूडेंट कभी भी सक्सेसफुल होते हैं, तो यही है, वो सही समय में सही चीज़ कर रहे होते हैं। आप हमेशा नोटिस करना, जब आप कोई काम कर रहे हो और अगर आपको अंदर से ऐसा लगा कि यार ये काम इस समय सही नहीं है क्या, या आप रिग्रेट में गए, तो वहां पर तुरंत सोचिएगा जिस व्यक्ति को आप टॉपर मानते हैं क्या वो भी उस समय वो काम कर रहा था। आंसर हमेशा आपका नो आएगा, वो व्यक्ति उस समय वो काम नहीं कर रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके बाद, फिफ्थ नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सेक्रीफाइस। और ये हैबिट तो हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति में देखने को मिलेगी। एक बहुत प्यारा कोट है, आपने पढ़ा होगा, इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। कोई भी चीज अगर आपको पानी है तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए सेक्रीफाइस नहीं करते हैं तो जो चीज आपको पानी है एक दिन वही सेक्रीफाइस बन जाती है। कोई भी व्यक्ति आप उठा लीजिए सक्सेसफुल है, उसने कभी ना कभी लाइफ में सेक्रीफाइस किया है। अगर वो हंस रहा है इसका ये मतलब नहीं उसकी लाइफ एकदम सही चल रही है। बहुत सारी चीजें जो पीछे छोड़ता है, सेक्रीफाइस करता है, तो उसको समझ में आता है ये समय उस चीज के लिए सही नहीं है। तो देखिए यार इस समय क्या चीज सेक्रीफाइस मांग रही है। बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई ये चीज से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये चीज प्रॉब्लम दे रही है, ये मेरे लिए अभी काम नहीं कर रही है। आपको देखना पड़ेगा उनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो अभी सेक्रीफाइस मांग रही है, मतलब उनमें से किस चीज को हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कोई अच्छी चीज के लिए। इस चीज पर ध्यान दीजिए। तो ये पांच हैबिट आती है जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स में आपको देखने को मिली जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको जानना है कि हम एक चैप्टर एक दिन में कैसे कर सकते हैं तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा वीडियोज में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। बाय।